वेलकम टू एन के जायका। आज की हमारी रेसिपी है सिंपल से बनने वाली चिकन करी। तो आइए फटाफट इसे देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। सिंपल चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे कुछ सूखे मसाले हैं, जीरा, काली मिर्ची है, 2 इलायची 2 बड़ी इलायची और दालचीनी डाल देते हैं। इसको जरा सा क्रैकल होने देते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज के अनियन लिया है, बारीक कट करके हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये आप देखेंगे हमारी जो है अनियन किस तरह से फ्राई हो रही है। इसको हमको पूरी तरह से लाल नहीं करना है, हल्का सा हमको उसको सौते करना है। ये आप देखेंगे किस तरह से हमारी जो है अनियन भी फ्राई हो गई है, हमने उसको पूरी तरह से लाल नहीं किया है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी 2 भर के बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और कोथमीर डाल के हमने इनको पीस लिया था। मसाले के साथ इनको भी अच्छे से हम प्याज और मसाला अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हम इनको भून लेंगे ताकि जो प्याज है वह का कलर चेंज ना हो। ये 1 से 2 मिनट जो है अदरक लहसुन और प्याज को फ्राई होते हुए हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 kg के करीब जो है चिकन लिया है, इसको डाल दूंगा और इसको भी हम अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमें पानी अभी बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमको जस्ट चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 7 मिनट भी हमारे चिकन और सभी मसालों के साथ में अच्छे से हमने क्या कर लिया है, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ में मैं ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले, जिसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, आप चिली जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 टेबल धनिया पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले के साथ हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। पानी हमने बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं किया है, ऐड नहीं किया है। हम बाद में अगर जरूरत लगेगी हम थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, कहीं हमारे मसाले जल ना जाए। जैसे इसको भी 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखेंगे किस तरह से हमारा मसाला जो है चिकन के साथ भून रहा है, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको कहीं जरूरत लगती है तो आप पानी हल्का सा ऐड कर सकते। हमारे मसाले और चिकन भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए। अब इस स्टेज पे मैं 100 ग्राम जो है दही फेटी हुई ऐड करूंगी। दही डालने के समय आप बिल्कुल भी जो है गैस एकदम स्लो आंच पे ही रखेंगे ताकि दही फटे ना, और उसको हल्के हाथ से हम क्या करेंगे मिक्स कर लेते हैं। दही डाल के हमने अच्छे तरीके से उसको अब क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हम जो है 5 से 7 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसको ढक के जब तक चिकन टेंडर ना हो रख देंगे। यहाँ देखेंगे चिकन और मसाला होते हुए हमारे जो है 5 से 7 मिनट हो गए हैं। यहाँ देखेंगे हमने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया था, दही का पानी और चिकन जो है उससे भी पानी रिलीज होता है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और जो हमारा चिकन भी वो अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। हमारी जो है चिकन सिंपल ग्रेवी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोथमीर, उसको आइए इसे हम सर्व कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से हमारी सिंपल सी चिकन ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।